हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर फाइव है, एक्सरसाइज 22, और आज हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन में फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक पेपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है विदाउट पेपर बनने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा लंबा बनेंगे ये। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन, और इसमें ए नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए इसको निकालना है, तो 12 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का इतना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 6 दोनों 12 हो गया, और फिर 2 से जाएगा 3। तो यहाँ पे जब प्राइम नंबर आ जाए तो उसके आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर इसको ले जाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे और फिर नीचे 1 आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसको यहाँ छोड़ देते हैं। 15 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 5 3 15, ये प्राइम नंबर आ गया, इसके बाद जाने वाला नहीं है। यहाँ पे कितने प्रकार का नंबर आया, तो यहाँ एक 2 आया है, एक 3 आया है, और एक 5 आया है। 3 यहाँ भी आया है, तो यहाँ भी 3 आया है। तो जो नंबर यहाँ पे आया है, जैसे 2 आया है, तो सबसे ज़्यादा उसका संख्या कहाँ पे है, वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आया है जितनी बार, तो उसी को लिखेंगे। जैसे कि 2 यहाँ ज़्यादा बार आया हुआ है, और 2 जो है सिर्फ एक ही जगह आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार आया है। उसके बाद 3 एक ही बार आया, तो एक बार तो लिखेंगे ही। जितने भी यहाँ नंबर आएंगे सारे नंबर को लिखना है। उसके बाद 5 एक बार आया है, 5 को भी लिखना है। पहले 3 लिख लेते हैं, फिर 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60, तो इसका आंसर हो गया 60 60। एलसीएम इसका 60 हो गया। उसके बाद बी नंबर ले लेते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है 16 और 64, तो यहाँ पे 16 का फैक्टराइज करते हैं। 2 से जाएगा, 8 2 16 हो गया, 2 से जाएगा 4, और फिर 2 से जाएगा 2, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 64 कर ले, या 64 हो गया, और इसका फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा, 32 2 64 होता है, और फिर ये 2 से जाएगा, 16 2 32, फिर 2 से 8 2 16 हो गया, फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2 2 4। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का नंबर आया हुआ है, सिर्फ 2 आया हुआ है, तो 2 सबसे ज़्यादा जिसमें आएगा उसी को लेना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू 6 बार लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 हो गया, 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और 32 2 64, मतलब 64। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 64, तो ये 64 जो है ये आंसर हो गया, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सी नंबर ले लेते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है 24 और 56, तो इसको फैक्टराइजेशन निकालते हैं। पहले 24 का 2 से निकल जाएगा, 12 2 24 होता है, 2 से 6 2 12, और 2 से 3 2 6 3 2 6, कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे नहीं जाएगा, ये 56 लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन 2, तो 28 होता है, 28 2 56 होता है, और ये 2 14 2 28, और ये 2 7 2 14, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। तो यहाँ पे 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और 7 आया हुआ है, तो 2 ज़्यादा बार कितना आया हुआ है, तो यहाँ भी 3 बार है, और यहाँ भी 3 बार है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है। तो एलसीएम लिख लेते हैं, और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया, और एक 3 आया हुआ है, और एक 7 आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 2 8, और 24 24 हो गया, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 को 7 से, 7 फोर जा 28 हो गया और बच गया 2, तो 7 टू जा 14 और 2 15 16, 168 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 168, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद सी डी नंबर लेते हैं, डी तो डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 3, 4, 6। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो कुछ निकलने वाला है नहीं, 3 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और 4 का करेंगे तो 2, 2 जा 4 इतना ही आएगा। उसके बाद 6 का करेंगे 6, 2 से 3, 2 जा 6 इतना ही होने वाला। तो यहाँ पे कितने प्रकार का नंबर आया, 3 आया हुआ है और 2 आया हुआ है, 2 यहाँ ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसको 2 को सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है 2 बार, तो इसको 2 बार ले लेते हैं। उसके बाद 3 वन बार यहाँ आया हुआ है, यहाँ भी 1 बार ही आया हुआ है, तो 1 बार ही लेंगे हम 3 को इंटू 3, 3, 2 जा 6 हो गया और 6, 2 जा 12, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 12। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ई नंबर लेते हैं, ई नंबर तो यहाँ पे सबसे पहले 6 का फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 2 से जाएगा, 2, 3 जा 6 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 8 का 2, 4, 2 जा 8 और 2, 2, 2 जा 4 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, और 10 का 2, 5 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कितने प्रकार का नंबर आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 और 5, तो 2 इसमें सबसे ज़्यादा आया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पे आया हुआ जितना उसको ले लेते हैं पहले। LCM इक्वल टू 2 × 2 × 2, ये हो गया। उसके बाद 3 एक बार आया हुआ है तो 3 ले लेते हैं इंटू 3, और 5 भी एक बार आया हुआ है तो यहाँ ले लेते हैं 5। तो यहाँ पे हो गया 5, 3 जा 15 और 15, 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120, तो इसका आंसर हो जाएगा 120, ये हो गया इसका आंसर। अब जो है F नंबर लेते हैं, F 6 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2, 3 जा 6, 15 का 3, 5 जा 15 और 30 का 2, 15, 15, 2 जा 30 होता है और 3, 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे कितने प्रकार का नंबर आया हुआ है, एक हो गया 2, तो 2 एक बार यहाँ मतलब एक ही बार आया हुआ है, तो ये 2 हो गया 2 × 2 और 3 जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आया हुआ है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब 3 लेंगे हम एक बार। उसके बाद आया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 एक बार, यहाँ भी और यहाँ तो है नहीं तो एक बार लेंगे, 5 यहाँ ले लेते हैं, तो 5, 3 जा 15, 15, 2 जा 30, इसका आंसर आ गया 30, ये हो गया कंप्लीट। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ भी एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी मेथड के द्वारा एलसीएम निकालने के लिए वैसा बोल नहीं रहा है, मतलब आपको जो सूटेबल लगता हो, जो मेथड आपको इजी लगता हो उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। और यहाँ 3 नंबर में फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ भी कोई मेथड नहीं बोल रहा है, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर जो ईजी मेथड है उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का सबसे ईजी मेथड होता है इस प्रकार से, तो उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 2 नंबर ए, तो यहाँ पे 20 और 50 दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 और 50, ये हो गया। तो इसको एलसीएम इस ढंग से, सबसे कॉमन मेथड ये है। तो यहाँ पे दोनों नंबर कौन से टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे जा रहा है 2 से, 10, 2 जा 20 और 25, 25, 2 50 हो गया। अब फिर यहाँ पे 2 से नहीं जा रहा है लेकिन 5 से जा रहा है, 5 से ले जाते हैं इसको, 5, 5, 5, 2 जा 10 हो गया और 5, 5 जा 25, इसके बाद जाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम 2 × 5 × 2 × 5, ये हो गया, 5, 2 जा 10 हो गया और 10, 2 जा 20 हो गया, 20 × 5, 25 जा 100 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 100, हो गया कंप्लीट। और बी नंबर में लेते हैं 72 और 96, इसमें बड़ा बड़ा नंबर का आसानी से एलसीएम निकाला जा सकता है,
तो यहाँ पे सबसे पहले टू से जा रहा है, टू ले लेते हैं, 72 हो गया, तो 36 दुना 72 होता है 36, और 96 तो यहाँ पे काट लेते हैं, 2 4 8 हो गया, तो यहाँ से 8 निकल गया, 1 बच गया, तो 16, तो 8 दुना 16 ये हो गया 48। अभी भी 2 से जा रहा है, तो 18 दुना 36 हो गया, और 24 दुना 48 ये हो गया। फिर इसके आगे जाते हैं, 2 से जा रहा है, 9 दुना 18 और 12 दुना 24। अब 2 से नहीं जा रहा है, तो 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 3 4 12। अभी ये प्राइम नंबर ये नहीं आया, हालांकि इसके आगे जाएगा नहीं, लेकिन इसको प्राइम नंबर में चेंज करना है, तो 2 ले लेते हैं, 3 ये रह जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब प्राइम नंबर आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना, 1 2 3, पहले 3 बार लेते हैं 2, उसके बाद फिर 3 लेते हैं, फिर 2, फिर 3 और फिर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 4 दुना 8 हो गया, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 और 3 3 9 मतलब 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दुना 18 हो गया 1, और 9 3 27 28, 288 इसका आंसर आ रहा है, 288 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, सी नंबर में दिया हुआ है 55 77, तो इसको आँख मूंद के हम लोग 11 से एलसीएम इसको काटेंगे, तो कितने बार में जाएगा, 5 और ये हो गया 7, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 11 × 5 × 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 5 जा 55, 55 7 जा, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 हो गया, तो यहाँ पे 5 3 7 5 जा 35, 35 और 3 3 85 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, 385 ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं, डी तो डी में दिया हुआ है 4 8 12, ये 2 से जाएगा, 2 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 1 2 और 3, इससे आगे जाने वाला नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है दोनों, तो इस कैल्शियम हो गया इक्वल टू 2 × 2 × 1 को नहीं लिया जाता है, तो 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग ई नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई यहाँ ले लेते हैं, ई नंबर में दिया हुआ है 6 15 25 30, इसमें 4 नंबर दिया हुआ है, एक्चुअली ज़्यादा नंबर देने का रीज़न होता है ताकि बच्चे इसमें गड़बड़ करें, तो यहाँ पे देखना है कम से कम 2 नंबर जो है कटना चाहिए, तो यहाँ पे ये कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, तो 2 ले लेते हैं, सबसे छोटा नंबर है, और ये जो है 3 2 जा 6 हो गया, ये नहीं जाने वाला है तो 15 लिख लेते हैं, और ये भी जाने वाला नहीं है तो यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, और यहाँ 15 दुना 30, फिर ये 2 से तो जाने वाला है नहीं लेकिन 3 से जाएगा, ये दो नंबर जो है, 3 नंबर जो है 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 25 वैसे ही रह जाएगा, और फिर 3 5 जा 15, अब यहाँ पे 5 से जाएगा, तीनों नंबर 5 से जा रहा है, तो 1 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 1 हो जाएगा, अब जाने वाला नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 × 3 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25 हो गया, 25 2 जा 50 और 53 जा 150 हो जाएगा, 150 इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे एफ नंबर ले लेते हैं, एफ यहाँ पे दिया हुआ है 12
एटीन, 24, 36, तो सभी कटने वाला नंबर दिया हुआ है। 2 से काट लेते हैं, 2 से जाएगा 6 दुना 12, 9 दुना 18, 12 दुना 24 और 18 दुना 36। फिर ये 2 से जाएगा, 2 से 1, 2, 3 नंबर जा रहा है, 2, 3 2 जा 6 हो गया, 9 को छोड़ देते हैं, 6 दुना 12 हो गया और 9 दुना 18। इसके आगे 2 से तो जाने वाला नहीं, सिर्फ एक नंबर जा रहा है, तो 3 से ले लेते हैं, 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 2 3 है तो 3 से ले जाते हैं इसको, 3 1 हो जाएगा, फिर 1 हो गया और 2 हो गया और फिर 1 हो गया। तो यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, तो सिर्फ सिंगल नंबर है, अब इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे LCM इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 18 2 जा 18 दुना 36, 36 दुना 72, 72 हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। तो ये हो गया इसका आंसर F। उसके बाद G नंबर पे जाते हैं, जी में दिया हुआ है 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ पे 2 से 2 नंबर कट रहा है, 2 से ले जाते हैं, 5 हो गया, 15 तो रह जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 25 रह जाएगा। अब 2 से कितना नंबर जा रहा है, सिर्फ एक नंबर, तो यहाँ पे 2 से नहीं लेते हैं, और 3 से सिर्फ एक नंबर जाएगा 15, तो यहाँ पे 5 से ले लेते हैं, 5 1 हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 25, 5 5 जा 25। अब इसके आगे तीनों प्राइम नंबर है, जाने वाला नहीं है, तो इसके आगे नहीं ले जाते हैं इसको, जो है यहाँ पे इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 3 × 2 × 5। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 10 जा 100 हो गया और 100 3 जा 300 हो गया, 300 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब H नंबर, इसको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं H नंबर। H में दिया हुआ है 16, थोड़ा सा दूर करके लिखना होगा, 16, 18, 32 और 48। तो ये 2 से इसमें जा रहा है सबसे पहले, तो 2 से ले लेते हैं, 8 2 जा 16 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया और 16 2 जा 32 और 24 2 जा 48। अभी भी 2 से जाएगा, तो यहाँ 2 से लेते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, 9 वैसे ही रह जाएगा और 8 2 जा 16, 12 2 जा 24। अभी भी 2 से जा रहा है, तो इसको 2 से लेते हैं, कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 6। इसके आगे 2 से जा रहा है, 2 से फिर लेते हैं, ये 1 हो गया, यहाँ पे 9 रह गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 से सिर्फ 2 ही जा रहा है, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 से 2 नंबर जा रहा है, 3 1 हो गया, 3 3 जा 9 और 2 यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। अब प्राइम नंबर आ चुका है, इसके आगे जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे LCM इसका हो जाएगा इक्वल टू 2, कितना है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 × 2 × 2, ये हो गया। उसके बाद 3 × 3 × 2, काफ़ी लंबा है, ये हो गया 4 8 16 हो गया, 16 32 हो गया, 32 को अगर हम 3 3 9 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा, 32 को 9 से, 9 टू जा 18, 1 बच गया, 9 3 जा 27, 28। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 288 इक्वल टू 288, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे लेते हैं आई नंबर, आई ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो यहाँ पे 12 हो गया, 15, 18,
और 24, 2 से जाएगा 2, 6 दुना 12 हो गया, 15 तो रह जाएगा यहाँ पे, 9 दुना 18 और 12 दुना 24, फिर 2 से जाएगा 1, 2 नंबर जा रहा है तो 2 से ले जाते हैं 3, 3 टू जा 6, 15 वहीं रह जाएगा, 9 भी वहीं रह जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा 3, 1 हो गया, 3 फाइव जा 15, 3 थ्री जा 9 और 3 टू जा 6, तो यहाँ पे सभी नंबर प्राइम नंबर हो चुका है, इसका मतलब है कि इसके आगे जाने वाला नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 हो गया, 4 थ्री जा 12 हो गया, 12 फाइव जा 60, 62 जा 120, 120 हो गया और 120 थ्री जा मतलब 12 थ्री जा 36, मतलब 360 हो जाएगा, 360 ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे और 3 में भी इसी तरह के एलसीएम हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ए नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे गलती होने की संभावना है, इसलिए सावधानी पूर्वक बनाना है इसको। 168 हो गया और 350, तो यहाँ पे क्या 2 से जा रहा है, ये 2 नंबर 2 से जा रहा है तो यहाँ पे ले जाते हैं इसको 2 से, तो 175 जैसे कि तैसे रह जाएगा और 168 यहाँ पे 2 8 जा 16 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 1 बच गया तो 2 7 जा 14, फिर यहाँ 1 बच गया 2 2 5 जा 10, ये हो गया। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 84 है, ये सिर्फ जा रहा है, ये दोनों नंबर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 3 से जा रहा है, 5 16 हो गया, 67 13 हो गया, मतलब ये 3 से नहीं जा रहा है तो ये 5 से जाएगा, 5 तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ से 15 निकल गया तो यहाँ पे बच गया 2 25, तो इसका मतलब है कि 5 5 जा 25, 35 से गया ये और यहाँ पे ये जाने वाला नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 84 छोड़ देते हैं इसको, ये भी 35 से जाएगा और यहाँ पे 5 से ये जा रहा है, 7 5 जा और 84 जैसे कि तैसे रहने देते हैं, फिर यहाँ पे 7, अब ये जाएगा 7 से, 2 7 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये क्या 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 1 1 बच गया तो 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 12 7 84 मतलब जा रहा है ये, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर है, इसको जो है हमको प्राइम नंबर में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये 2 से ले जाते हैं, 6 हो गया और यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे फिर 2 से जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पे फिर 1, इससे आगे जाने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग एलसीएम एलसीएम इसको 255 2 × 5 × 5 × 7 × 2 × 2 × 3 इतना हो गया, 2 5 5 7 2 2 3, तो यहाँ 5 5 जा 25 हो गया और 25 2 जा 50 50 हो गया, 50 दुना 100 हो गया, 100 दुना 200 हो गया, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 मतलब 600 हो गया, 600 और यहाँ पे 7 मतलब 6 7 42 42 42 पे डबल जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4200, ये हो गया इसका आंसर, ये एलसीएम हो गया। और लास्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का बी नंबर में, 96 108 और 180, तो ये 2 से सारा नंबर कट रहा है, 2 से ले लेते हैं, 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पे और 1 बच गया, 2 8 जा 16, यहाँ पे 108 तो यहाँ 2 5 जा 15 हो गया, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 4 जा 8 54 हो गया और यहाँ पे 18 का 9 दुना 18 मतलब 90 और यहाँ 2 से सारा नंबर जा रहा है, 2 24 दुना 48 और यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ पे 1 बच गया, 2 7 जा 14 27 दुना 54 और यहाँ पे 45 45 हो गया
अब ये 2 से जाने वाला नहीं है, तो 3 से जाएगा, 3 से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जाएगा, तो 3 से ले लेते हैं। 8 का 16 थे 24, 8 बार में गया, और यहाँ पे 9 दून 18 29 27, 9 बार में 15 थी 45, 3 से अभी भी 3 से जा रहा है, तो 3 से ले जाते हैं, 8 रह जाएगा यहाँ पे, और 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 2 प्राइम नंबर आ चुका है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर नहीं आया, तो यहाँ 2 से इसको ले जाते हैं, 2 4 जा 8, 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, फिर एक बार 2 से ले जाते हैं इसको, 2 2 2 जा 4 और 3 और 5, अब जाने वाला नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 × 2 है, फिर 3 × 3 और फिर 2 × 2 3 बार है, 2 × 2 × 2 उसके बाद 3 5 × 3 × 5 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 12 बार 24, 24 दुना 48, और यहाँ पे 48 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 12 और 12 5 जा 60, यहाँ से 60 हो गया, तो यहाँ पे 72 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ भी हो गया 0, 6 × 2 = 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 6 × 7 = 42 41 हो गया, तो यहाँ पे 0 2 3 4 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 43 20, इतना ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 22 का पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।